दोस्तों सोनी की तरफ से जो हमें PlayStation 4 पे लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट दी गई है 9.0 बीटा, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगी 8.03 फर्मवेयर की जेलब्रेक के लिए, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और हमारे पास जो गुड न्यूज निकल के आई है PlayStation 4 की लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट 9.0 बीटा पे, वो ये है कि आप PS5 की जो ट्रॉफीज हैं उसको PlayStation 4 पे भी देख सकते हैं, और अगर आप ओनर हैं ग्रुप के तो आप फिर ग्रुप के अंदर से मैसेजेस को भी डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आदित्य कुमार, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। वंस अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट जेलब्रेक PlayStation 4 8.03 फर्मवेयर। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, बैड रिमार्क्स दे के मज़े मुझे लेके चले जाते हैं, और भाई वीडियो को पूरा देख लिया करो तभी तुम्हें समझ आएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप थोड़ा सा वीडियो को देखते हैं आपको समझ आती नहीं है और बस अपने हिसाब से ही बातें करने लग जाती है कि भाई फेक है, ये है, ऐसा है, वैसा, वीडियो को पूरा देखा करो तभी आपको समझ आएगी। पहले मैं अपने व्यूअर्स का जवाब दे दूं, मुझसे मेरे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में आप यूट्यूब पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल आपको मिलते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि 8.03 फर्मवेयर की जेल ब्रेक जो है ऑफिशियली रिलीज्ड हो चुकी है, जबकि गाइस ऐसा कुछ नहीं है, वो सब फेक है, कोई अभी तक जेल ब्रेक रिलीज़ नहीं हुई 8.03 फर्मवेयर। पेलोड पेज को अभी टाइम है उस पर डिवेलप होने में, जब तक 7.55 फर्मवेयर की जेल ब्रेक स्टेबल नहीं हो जाती, फुली स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक इसके भी चांसेस कम हैं। अब मसला ये आ रहा है डेवलपर्स को, जब वो 7.55 फर्मवेयर पे पेलोड पेज को डेवलप कर लेते हैं, स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल सही चलता है, जब नंबर ऑफ़ यूज़र एक्सीड कर जाते हैं तब वो प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो कुछ लोग तो जेल ब्रेक को इंजॉय कर लेते हैं बट मेजोरिटी इस तरह से इंजॉय नहीं कर पाती। तो यहाँ पर बात सिंपल है, 7.55 फर्मवेयर की जेल ब्रेक जो ही स्टेबल होगी यहाँ पर भी चांसेस बन जाएंगे। बट यहाँ पर एक और हमारे पास बड़ी अच्छी खबर आई है, और वो ये है कि PlayStation 4 पे 9.0 बीटा फर्मवेयर अपडेट आ चुकी है सोनी की तरफ से ऑफिशियली। और दोस्तों ऐसा देखा गया है जब भी कंपनी लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट देती है साथ ही में डेवलपर्स को कुछ कीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है जिससे डेवलपर्स की काफ़ी हेल्प हो जाती है और वो जेल ब्रेक को डेवलप करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है। जो आउटडेटेड कंसोल होते हैं उनकी सेल फिर से इंक्रीज़ कर जाती है, ऐसा ही चल रहा है स्टार्टिंग से और यही रियलिटी है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो गुड न्यूज़ है वो यही है कि PlayStation 4 की 9.0 अपडेट के आने के बाद हमारे पास जो है 8.03 फर्मवेयर पे जल्दी जेल ब्रेक पेलोड पेज अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और नेक्स्ट वीडियो जो होगी PlayStation 4 की जेल ब्रेक से रिगार्डिंग उसको आप मिस कर देंगे। मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।